राजधानी के ईदगाह हिल्स स्थित नगर निगम के जल शोधन संयंत्र में बुधवार शाम करीब 7 बजे क्लोरीन गैस का रिसाव हो गया। इसकी वजह से आसपास की बस्तियों में हड़कंप मच गया। रहवासियों की आंखों में जलन होने लगी, वे दम घुटने जैसी शिकायत करने लगे, जिससे लोग घर छोड़कर सड़क पर आ गए और मदद की गुहार लगाने लगे। घटना की जानकारी मिलते ही चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, महापौर मालती राय, कलेक्टर अविनाश लवानिया, नगर निगम आयुक्त KVS चौधरी, निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी समेत जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे। हालांकि तब तक गैस का रिसाव कम हो गया था। तब तक एक बच्ची समेत 6 रहवासी की हालत बिगड़ गई, जिन्हें हमीदिया अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। नगर निगम में जल कार्य विभाग के मुख्य अभियंता उदित गर्ग ने बताया कि फिल्टर प्लांट में क्लोरीन मिलाने के दौरान सिलेंडर में रिसाव हो गया था। 900 किलोग्राम के इस सिलेंडर का जोड़ खुलने से यह घटना हुई थी। इसके बाद मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने बिना समय गवाए सिलेंडर को उठाकर प्लांट में बने 5 फीट गहरे टैंक में फेंक दिया, जिससे क्लोरीन गैस हवा में मिलने की बजाय तेजी से पानी में मिश्रित होने लगी। इसके साथ ही पानी के टैंक में बड़े पैमाने पर चूना डाला गया, जिससे गैस का असर कम हो सके। इसके बाद लोगों को क्लोरीन की गंध के साथ ही आंखों में जलन और खांसी से राहत मिली। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि यदि समय रहते गैस रिसाव नहीं रोका जाता तो स्थिति बिगड़ सकती थी। इधर गैस के रिसाव की सूचना पूरे क्षेत्र में फैल गई। इसके कारण सैकड़ों परिवारों ने कुछ समय के लिए घर छोड़ दिया था, जो देर रात तक प्रशासन की समझाइश के बाद वापस लौट गए। कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन इस हादसे ने 2 व 3 दिसंबर 1984 को हुए भोपाल गैस कांड की याद दिला दी। जब लोगों को मालूम हुआ कि फिल्टर प्लांट में क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ था, तो लोग सड़क पर इकट्ठा हो गए और नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। लोगों का कहना था कि उनके घरों में बच्चे और बुजुर्ग बीमार हो गए हैं, कई लोगों को अस्पताल लेकर जाना पड़ा है। गैस की वजह से आंखें सुर्ख लाल हो रही हैं, कई लोगों को चक्कर आ रहे हैं और कई को उल्टियां हो रही हैं। ऐसे में नगर निगम को लोगों को मुआवजा देना चाहिए। जो हमारा नाले में घर है उसमें धुआं आ रहा है, तो बहुत खतरनाक। फिर धुएं क्यों? सांस नहीं लेते बन रही, छोटे छोटे बच्चे भी। तो आपको सांस लेते नहीं बन रही? सांस नहीं लेते बनने में। तो आपको हमीदिया कोई लेके नहीं जा रहा? पानी मंगवाया है अभी बच्चे से मैंने। चली चली आप हमीदिया चली है ना, हमीदिया रेफर करते। सांस भी बंद हो गई मेरी। सांस लेते नहीं बन रही? सांस लेने में दिक्कत आ रही है। सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है। आज ये ईद में इनको मदर इंडिया कॉलोनी में कंपटिंग बना, क्या मामला है? ये लोग की भगदड़ मच गई है। ये भगदड़ जैसा कोई विषय नहीं है। मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि एक क्लोरीन टैंक जो है, जो कि वाटर की क्लीनिंग के लिए यूज़ किया जाता है, उसमें एक माइनर लीकेज डिटेक्ट हुआ। और उस माइनर लीकेज के डिटेक्शन के बाद इमिडिएटली, क्योंकि क्लोरीन जो होता है वो पानी में पूरी तरह से सॉल्युबल होता है, यदि उसमें पानी में डाल दिया जाए तो उसके बाद वो किसी प्रकार से हार्मफुल नहीं रहता। जैसा कि आप सब जानते हैं, वैसे भी क्लोरीन को पानी में डाल के ही पानी को शुद्ध किया जाता है, तो इसलिए लगातार उस लीकेज को मैनेज करने के लिए फ्लोइंग वाटर में उसको डाला जा रहा है, जिससे कि जो टैंक है उसको कंटिन्यूसली हम लोग खाली कर सकते। सर, ये जो समथिंग का पानी जो बहता है कि ये पाइप के जरिए बहता है या खाली नाली बनी हुई है? नहीं, जो सम का वैसे पानी जाता है नॉर्मली, वो तो पाइप्स के थ्रू ही बहता है, पर अभी क्योंकि हम लोग जो पानी है उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं क्लोरीन डाल के, इसलिए उसको हम लोग सप्लाई में नहीं यूज़ करेंगे। सर, ये कितना वजनी होता है और क्या एक्सपायरी डेट थी क्या? नहीं, मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि इसमें कोई एक्सपायरी डेट नहीं थी। जो सिलेंडर था वो फुली फंक्शनल था, बट क्योंकि हम लोग सिलेंडर्स के साथ रोज़मर्रा में काम करते हैं, तो इस प्रकार के माइनर एक्सीडेंट्स का होना वंस इन फ्यू ईयर्स संभावना तो रहती ही है, तो इसलिए ऐसा कोई एक्सपायरी जैसा कोई इशू इसमें नहीं। सूचना मिली है कि 4-5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मैं इसमें भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि गंभीर रूप से कोई भी घायल नहीं है, केवल प्रिकॉशन के रूप में कुछ लोगों को ऑब्जर्वेशन में रखा गया है।